कीर्तने कपितरो कमलायताक्षो विश्वंबरो द्विजवरो युगधर्मपालो वंदे जगत प्रिय करो करुणावतारो नमस्ते काल सत्याय जगन्नाथ सुताय च सभृत्याय सपुत्राय सकलत्राय ते नमः। ओम अज्ञान्तिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीगौरांग नित्यानंद श्री अद्वैत चंद्र गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभयेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो हम लोग आज फिर से श्रीमन महाप्रभु की मैत्री कृपा से श्री चैतन्य भागवत जहाँ से हमने पीछे छोड़ी थी वहीं से प्रारंभ करेंगे। चैतन्य भागवत में हम लोग श्रीमन महाप्रभु के नवद्वीप आनंद पे चर्चा कर रहे थे, किस किस प्रकार से अब जब नवद्वीप में समस्त भक्तगण एकत्रित हो गए, नित्यानंद प्रभु अद्वैत आचार्य इत्यादि भक्त सारे सब इधर उधर से जो जहाँ जहाँ थे, अब क्योंकि श्रीमन महाप्रभु ने अब अपना वास्तविक प्रकाश किया है भक्त स्वरूप का, और जैसे कि हमने पहले सुना भक्त स्वरूप का भी और भगवत स्वरूप का भी। भगवत स्वरूप का तो बीच बीच में उनके अंदर आवेश आ जाता था अलग अलग भगवत अवतारों के, क्योंकि सारे भगवत अवतार जितने हैं उन सबका समावेश श्रीमन महाप्रभु के भीतर है। तो कहीं भी किसी को भी किसी की भी किसी अवतार की आराधना करते देखते तो वहीं महाप्रभु का वो भाव उदय हो जाता था, ऐसा प्रतीत होता था ये मेरी स्तुति कर रहा है। पर मुख्यतः उनके भीतर अभी भक्त आवेश है। आगे जाके हम देखेंगे कि उन्होंने मंजरी स्वरूप का आस्वादन लिया, पर अभी इस समय उन्होंने अपना भक्त स्वरूप का प्रकाश किया। अन्य भक्त इससे पहले का जो जीवन था उसमें अभी भक्तावेश का भी प्रकाश नहीं किया था, वो तो विद्या विलास थी जो हम देख रहे थे। तो इसीलिए महाप्रभु के इतने सब भक्त, कोई इधर है कोई उधर है, कोई उस प्रदेश में है कोई राड़ देश में है, लेकिन सब अब इधर उधर से सब जगह से सारे ग्राम से सब जगह से एकत्रित होकर नवद्वीप में आ गए, क्योंकि अब महाप्रभु ने अपने भक्त स्वरूप का अपनी लीलाओं का प्रकाश करना जिसके लिए वो अवतरित हुए वो उन्होंने कार्य अब प्रारंभ किया, सबको भक्त बनाने का, हरि नाम संकीर्तन प्रदान करने का, इस जगत में फैलाने का और हरि नाम संकीर्तन करने का। आज एकादशी का दिन है और यहीं पे हम लोगों ने पिछली बारी चर्चा छोड़ी थी कि एकादशी के दिन ही महाप्रभु ने जागरण एकादशी जागरण करने का सोचा विचार किया और एकादशी से ही एकादशी जागरण प्रारंभ किया, और फिर केवल एकादशी जागरण तक सीमित नहीं रहे, फिर रोज जागरण होने लगा। तो रोज श्रीवास आंगन में रात्रि में संकीर्तन होता था, प्रारंभ एक दिन एकादशी जागरण से हुआ था और उसके बाद फिर रोज का ही हुआ। महाप्रभु ने सब भक्तों को बोला, भाई क्यों हम लोग रात को सोते हैं, रात वेस्ट हो जाती है सोने में, तो क्यों ना उस समय भी संकीर्तन किया करें। तो उस समय खूब जोर शोर से संकीर्तन होता, श्रीमन महाप्रभु का अलग अलग प्रकाश उस समय देखने में आता। अद्वैत आचार्य बोलते जो शांतिपुर से आके अब यहीं पे रह गए, क्योंकि उनका एक घर यहाँ पे भी है नवद्वीप में भी, गदाधर पंडित जो इनके साथ है, नित्यानंद प्रभु जो सब साथ आ गए, सब मिलके इस प्रकार से
संकीर्तन करते कि वो कोई साधारण संकीर्तन नहीं रहता। जैसे महाप्रभु के बारे में लिखा, जब महाप्रभु रोना आरंभ करते तो रोते 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 बोलते इतना इतना रुदन, रुदन होता था विरह में, एक भक्त का रुदन विरह में होता है। और वो रुदन जो है वो, जैसे मैंने पहले भी आपसे चर्चा करी है कि वो रुदन इस जगत के रोने जैसा नहीं होता, उसमें भी बड़ा आनंद होता है। तो वो विरह में जब रोने लगते तो बोलते ऐसा कोई काष्ठ का ही बना होगा जो महाप्रभु को देख के फिर उस समय रोए ना। अब विरह वेदना में, जैसे हम यहाँ देखें, हम तो यहाँ किसी भक्त को तो हमने विरह में रोते हुए शायद ही देखा हो। हमने इस जगत में देखा है कि कोई अपने पुत्र विरह में रो रहा है, कोई पिता विरह में, माता विरह में, ज़्यादातर लोग पत्नी और पति विरह में जिस प्रकार से रो रहे हैं। तो जब उनको कोई अपना बिल्कुल निकट का मृत्यु हो जाए तो वो विरह में जब हम रोते हुए देखते हैं तो एकदम दिल दहल जाता है ना। कितनी बार हम लोगों के भी अश्रु आ जाते हैं इस प्रकार का दृश्य देख के। तो इस जगत के पति और पत्नी, इस जगत का पुत्र और पिता जब अलग होते हैं तो एक रुदन होता है, उससे कोटि अनंत गुना ज्यादा विरह तब जब एक भक्त को अपने भगवान से, अपने प्रियतम से जब विरह फील होता है। तो जब ऐसा उनके भीतर विरह उदय होता था तो जब वो रोते थे, आप सोचो अब यहाँ पे हल्का सा रोते हुए किसी को देखते हो तो हमारे भीतर रोना आ जाता है, वही भाव आ जाता है। तो जब वो भगवान के विरह में श्रीमन महाप्रभु को रोते हुए देखते थे, अब महाप्रभु किशोरी भाव में भी हैं, तो किशोरी जी अगर श्याम जू के लिए रो रही हैं उनके विरह में तो वो किस प्रकार का विरह होगा। तो उस विरह में जब इन्हें रोते हुए देखते तो बोलते सब जितने समस्त भक्तगण थे वो रोना शुरू कर देते। अचानक इनके भीतर लीला का स्फुरण होता, आगे श्याम सुंदर इनके हृदय में इनको दर्शन देते, दिखाई देते, तो बोलते इतनी तेज जोर जोर से ठांके मार के हंसते कि सब भाव विभोर हो जाते हैं और कंफ्यूज हो जाते कि ये क्या हुआ, अभी तो इतना विरह में रो रहे थे। और फिर जोर जोर से ठाके मार के हंसते, और जब जोर जोर से हंसते तो उसी प्रकार हंसते हंसते जोर जोर से कीर्तन प्रारंभ होता। और फिर ऐसा कीर्तन करते कि महाप्रभु इतनी तेज थे, 10-10 फुट ऊपर छलांग मार रहे हैं। और जब 10-20 फुट ऊपर छलांग मार रहे हैं तो ऐसा प्रतीत होता था जैसे कोई रुई का कोई गोला हो, बस इतने हल्के से हो गए। और लोग भी श्रीमन महाप्रभु को अपने कांधे पे बिठा के नृत्य कर रहे हैं, जैसे डांस करते करते हमने शादी मोहल्ले में देखा ना, वो करते करते एकदम किसी को अपनी गोदी में उठा लिया, किसी को कंधे में उठा लिया और डांस करना शुरू कर दिया। तो ऐसे ही श्रीमन महाप्रभु को अपने कंधे में उठा के जोर जोर के नृत्य करना शुरू कर दिया। और करते 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 देखा श्रीमन महाप्रभु थोड़े भारी हो रहे हैं, और भारी होते 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 एकदम ऐसा हुआ कि अब तो उठा नहीं सकता। और उसके बाद वो पृथ्वी पर, भूमि पर बैठ गए, भारी हो गए। अब कभी तो इतने हल्के कि लोग ऐसे एक कंधे में बिठाया, अब इनका मन हुआ भी मेरे को भी उठाना है, मुझे भी महाप्रभु, तो मुझे महाप्रभु, तो महाप्रभु को ऐसे उठाए, महाप्रभु इनके कंधे में बैठ गए। अब ये कंधे में उठा के घूम रहे हैं, किसी ने बोला महाप्रभु को मैं भी उठा के घूमूंगा, तो वो उसके कंधे में, इतने हल्के। और अब एकदम से इतने भारी हो गए, इतने भारी हो गए, भूमि पर बैठ गए कि बोले अब जितने सारे लोग थे, अब वो बोले कि हम उठाएं तो सारे मिलके उठाएं तो ना उठा पाए, इतने भारी महाप्रभु गए। तो कभी इतनी तेज रुदन, और कभी रुदन के बाद फिर ठाके मार मार के इतनी तेज हंसी, कभी इतने हल्के कि रूई से हल्के, और कभी ऐसे के इतने भारी हो गए कि किसी से उठाए नहीं उठ रहे, फिर कभी ऐसे कि करते करते कीर्तन करते करते बोलते इतना पसीना आता, जैसे अभी हम लोगों को संकीर्तन करते हुए पसीना आया, तो पसीना ऐसा पसीना बहता, ऐसा पसीना बहता, तो बोले मानो ऐसा प्रतीत होता जैसे गंगा का अवतार यहीं से प्रकट हो गया है, महाप्रभु से ही प्रकट हो गया, एकदम पसीनों पसीने, इतने पसीने हो जाते। और फिर कुछ क्षण बाद ही बैठे 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 बोलते ऐसे जटिलता आती कि उसके बाद ऐसे ठंड लगती कि जैसे बच्चे के दांत कांपने लगते हैं, ऐसे दांत कांपने लग जाते। तो केवल यही नहीं कि बस बैठे और एक साधारण व्यक्ति ने हारमोनियम लिया और एक दो बंदे मृदंग लेके बैठे और बस कीर्तन चल रहा है रात, ऐसा कीर्तन नहीं होता था, बड़ा ड्रामेटिक कीर्तन होता था, बड़ा रोमांच होता था उसमें कीर्तन में, कि तेज तेज नाच रहे हैं, गा रहे हैं, कभी इतना सर्दी का माहौल हो गया कि दांत कांप रहे हैं, कभी एकदम से इतनी गर्मी हो गई, कीर्तन तेज नृत्य कर, देखो जब तेज नृत्य करा, जब रूई की तरह हो गए एकदम, तो इतना गर्मी हो गई कि पसीनों पसीने सब हो गए, अब भारी हो गए, एकदम बैठ गए, अब सब बैठ गए, तो बैठे बैठे एकदम इतनी ठंड हो गई कि अब सबके दांत कांपने लगे, फिर उसके बाद जोर जोर से संकीर्तन प्रारंभ करने लगे। और कभी कभी तो नित्यानंद प्रभु के बोले पीठ से पीठ लगा के बैठ जाते, जैसे नित्यानंद वो ऐसे बैठे, अब पीछे कुछ है नहीं
तो सहारा देने के लिए, जैसे हम नित्यानंद प्रभु देखते हैं कि हर चीज में नित्यानंद प्रभु अवतरित हो जाते हैं, जैसे महाप्रभु की पादुकाएं हैं तो नित्यानंद प्रभु पादुकाओं में, क्योंकि बलराम अवतार हैं, वो अवतरित हो जाते हैं उनकी पादुकाओं में, उनकी शैया में, इस प्रकार से। तो अब श्रीमन महाप्रभु बैठे, अब बैठे तो उनको सहारा चाहिए, तो सहारे के लिए क्या करें, तो नित्यानंद प्रभु अपनी पीठ करके बैठ जाते हैं कि मेरी पीठ का सहारा ले लो, और उनकी पीठ का सहारा लेके बोले अपने दोनों पांव उठा के दिखाते कि ये देखो ये देखो, तो सब भक्तों को मानो संकेत करते कि मेरे चरण धूली ले लो, और सब आके उनकी चरण धूली लेने लगते श्रीमन महाप्रभु की। और जब चरण धूली लेते तो अचानक उनका फिर भक्त भाव जागृत हो जाता। अब जैसे ही भक्त भाव जागृत होता है तो वहीं लेट जाते कि ये आप क्या कर रहे हो, ये क्यों आप अपराध कर रहे हो, और सबकी चरण धूली लेने लगते और बोलते आप तो मेरे पिता समान हो, मैं तो आपका बालक हूँ, आपका बच्चा हूँ, बोलते ये बोलते। और थोड़ी देर बाद फिर जब कीर्तन करते करते, अब क्या है कि हरिनाम संकीर्तन में और भगवान में कोई भेद नहीं है, तो जब जोर जोर से हरिनाम संकीर्तन होता तो उस हरिनाम की ध्वनि से भगवान के भीतर वो भगवत आवेश उदय हो जाता, समझ गए। अब ये बड़ी कन्फ्यूजन है, जैसे हम मान लीजिए कोई यहाँ पे दो नाम के व्यक्ति बैठे हैं, इसका नाम भी माधव है, इसका नाम भी माधव है, अब आप एक को बुलाओगे तो दूसरा भी देखने लगेगा। अब अभी हम वृंदावन गए, माधव प्रभु लॉबी में खड़े थे, ये चिल्ला रही हो माधव माधव, वो माधव प्रभु देखने लगे किसको बुला तो इस प्रकार से कन्फ्यूजन होगी जब दो नाम के एक व्यक्ति, दो व्यक्ति एक ही नाम के बैठे हैं। तो ऐसे ही नाम नामी अभिन्नत्व, अब जब आप जोर जोर के हरे कृष्णा बोल रहे हो तो भगवान को ऐसा प्रतीत होता है कि मेरे को कोई पुकार रहा है, समझ गए, हैं तो भगवान ही ना श्रीमन महाप्रभु, अब वो यहाँ पे है। आप जोर से संकीर्तन कर रहे हो बड़े आनंद से, वो भी भक्त भाव से संकीर्तन कर रहे हैं, अब बड़ी तेज करते 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 एकदम से फिर ऐसा प्रतीत होता है कि ये सारे भक्त जैसे मुझे पुकार रहे हैं। अब जब सारे इतने सारे भक्त संकीर्तन करेंगे, मैंने यही आपको अब पिछली बारी जो संकीर्तन वाले में बताया था कि जब सब मिलके संकीर्तन करके पुकारेंगे तो भगवान उदय होता ही होता है, भगवान वहां आएंगे ही आएंगे, बिल्कुल प्रकट होंगे ही होंगे, दिखे नहीं दिखे ये हमारी क्षमता है भजन की अभी, कि दिख रहे कि नहीं दिख रहे, पर भगवान का प्राकट्य होगा ही अगर सब इस प्रकार से पुकारेंगे। तो जब सारे समस्त भक्त मिलके जोर के हरे नाम संकीर्तन करते पुकारते तो बोलते श्रीमन महाप्रभु को लगता है ये जैसे मुझे पुकारे, तो उनका अचानक से भगवत आवेश आ जाता है। ऐसे नहीं कि सबके पीछे लॉजिक है, ऐसे नहीं कि एकदम पागलपंती से हो रही है, कभी ये हो रहा है कभी हो रहा है, सबके पीछे लॉजिक है। अब सब जोर के संकीर्तन करें उनका भगवत आवेश जागृत हो गया, और संकीर्तन भी ऐसा होता कि बोलते संकीर्तन करते करते महाप्रभु खुद ऐसे हुंकार करते जैसे 1 करोड़ सिंह एक साथ हुंकार करें। अगर एक सिंह की भी हम हुंकार सुन लें ना जंगल में तो अच्छे बच्चों के पसीने निकल जाते हैं जब सिंह जोर की हुंकार करें, और करोड़ सिंह एक साथ हुंकार करें तो बोलते कोई विरला ही होगा जिसका हृदय ना कांपता हो, और ये भी भगवान की विशेष कृपा ही थी कि उस समय कान नहीं फटते थे, नहीं तो कान फट जाएंगे किसी के भी, इतनी जोर के हुंकार करते थे। और जब वो हुंकार करते थे तो बाकी सब भी उसी प्रकार से जोर जोर की संकीर्तन करते थे। अब उतनी जोर से संकीर्तन में उन्हें लगता मुझे पुकार रहे हैं भगवान को, तो अचानक से भक्त से उनका भगवत आवेश जागृत हो जाता, और जब भगवत आवेश जागृत हो जाता तो बोलते ये बेटा मेरा दास है, ये मेरा बच्चा है, ये मेरा, चल बेटे चल मैं तेरे को मेरी चरण धूली ले 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 बेटा ले, वो चरण धूली लेने को आ गया इस प्रकार से। और कई बारी तो बोलते उनको गर्दन से पकड़ के ऐसे पकड़ के और उनका पुराना नाम लेते, हाँ बेटे प्रहलाद यहाँ पे आया है, और ये इसको बोलते भाई नारद इधर आ, उसको नारद कह के इधर कह के उधर कह के, तो वो पुराने पुराने नाम ले जिस जो जो जिन जिन के अवतार हैं वो नाम लेके बुलाते। और फिर जब इस प्रकार से सब लोग आके चरण धूली ले रहे हैं, आ गए बैठ गए, तो अचानक से उनके भीतर वही भक्त आवेश जागृत हो जाता। अब जब भक्त आवेश जागृत होता तो बोलते ये क्या कर रहे हो, अरे श्रीवास पंडित, अरे प्रभु आप तो मेरे पिता समान हो, ये क्या कर रहे हो। अद्वैताचार्य, वो अद्वैताचार्य जब ये देखते वो बोलते अभी वो चोर पीछे के बैठते चोरी खुल गई है, अब हमारे से ये नाटक मत कर। कहने का तात्पर्य कि तुम ही कृष्ण हो ये अब हमें पता लग गया है, अब हमारे से नाटक मत कर। तो वो इस प्रकार बोलते और सब लोग डर जाते,
कि अद्वैत आचार्य कैसे बोल रहे हैं, अभी तो क्रोध आ गया अगर भगवान को तो, और वो अपनी सांकेतिक भाषा में ठीक बोलते हैं कि तू चोर है और तेरी चोरी पकड़ी गई है, अब यहाँ पे हमारे सामने नाटक मत कर। और ऐसा करते हुए जब महाप्रभु को लगता है कि इस प्रकार अद्वैत आचार्य बोल रहे हैं, हाय मेरी चोरी पकड़ी गई, क्या सबको पता लग गया, मुझे तो बताना ही नहीं था कि मैं ही भगवान हूँ, ये कैसे हो गया, तो बोलते उस एम्बेरसमेंट में महाप्रभु बेहोश हो जाते हैं, एकदम मूर्छित हो गए। और जब मूर्छित हो गए तो बोलते फिर वो अद्वैत आचार्य जो है वो जिस प्रकार माताओं का वात्सल्य होता है वो नज़र उतारती हैं, बोलते वो ऐसे आते एक तीली सी लेके वो उनकी नज़र उतारते सब करते, और सब भक्त एक भयभीत भाव में रहते कि भगवान की नज़र उतारे ये तो भगवान है, ये भगवान की नज़र क्यों उतारे, पर उनका क्योंकि अद्वैत आचार्य हैं बड़े हैं उनका एक वात्सल्य भाव भी होता, तो वो श्रीमान महाप्रभु की नज़र उतारते। उनकी माता जब ये कई बारी दृश्य देखती तो उनकी माता भगवान से प्रार्थना करती कि हे भगवान इसको ठीक कर दो, क्या हो जाता है इसको अचानक से, कितनी तेज तेज छलांग मारता है, देखो कैसे मूर्छित हो गया, ये ठीक है कि नहीं है, मेरे पे तो ऐसी कृपा करो कि जब ये संकीर्तन करके ऐसे छलांगे मारता हो तो मैं देखूँ ही ना, मुझे ये दिखे ही ना ये इतनी तेज छलांगे मारता है, क्योंकि मेरा हृदय फटता है इस प्रकार इनको छलांगे मारता हुआ देख के। तो अलग अलग प्रकार से महाप्रभु उस समय विचित्र लीलाएं करें, पर सबका पीछे कोई ना कोई लॉजिक तो है जिस प्रकार से वो करें, पर सबके आनंद का स्रोत बनते हो श्रीमन महाप्रभु। फिर अचानक से जैसे हम लोग करते हैं ना संकीर्तन करते करते एकदम ऐसे बंद हो गए और फिर जोर का संकीर्तन प्रारंभ हुआ, तो ऐसे ही मूर्छित हो गए। और फिर जब मूर्छित हुए तो एक भक्त को भी हम लोग कैसे उसकी मूर्छा हटाएंगे, धीरे धीरे हरिनाम संकीर्तन करना शुरू करेंगे, तो सब लोग साथ में बैठ के धीरे धीरे हरिनाम संकीर्तन करना प्रारंभ करते जब महाप्रभु मूर्छित हुए। और जो महाप्रभु मूर्छित अवस्था में पड़े तो हरिनाम संकीर्तन सुन के जैसे ही मूर्छा जागती तो बोलते मूर्छा हटते ही फिर वो जोर की हरिनाम संकीर्तन शुरू कर देते, और अचानक से फिर इतनी देर मंजीरे और करताल और मृदंग वगैरह ये सब जोर जोर के फिर एकदम से इतना धीरे हुआ एकदम साइलेंट हो गया, और फिर उसके बाद फिर एक लाउड संकीर्तन शुरू हो गया, चारों ओर बोलते मंगलमय वातावरण हो जाता ये संकीर्तन सुन के। और जिनके देखो ये हैं स्वयं भगवान, और जिनके नाम के आनंद से शिवजी को अपने वस्त्रों का ज्ञान नहीं रहता, शिवजी एक बड़े ग्रेव पर्सनालिटी है, गंभीर स्वभाव है शिवजी का बड़ा, ऐसे नहीं कि इधर उधर कहीं नाटते डोलते फिरेंगे, सब भगवान शिव तो बड़े गंभीर स्वभाव के हैं। और वो भगवान शिव भी जब संकीर्तन करते हैं श्रीमन ये श्री हरिनाम का, तो बोलते हरिनाम का संकीर्तन करते हुए शिवजी को अपने वस्त्रों का ध्यान नहीं रहता, इस प्रकार वो मुग्ध हो जाते हैं इस हरिनाम संकीर्तन में। तो वो भगवान जिनका नाम लेके, जिनका केवल नाम लेके शिवजी जैसे गंभीर स्वभाव वाले भगवान को, देवता को अपने वस्त्रों का ध्यान नहीं रहता, जब वो भगवान खुद नृत्य कर रहे हैं तो उस समय क्या दृश्य होता होगा, उनके नाम का ये प्रभाव है कि द मोस्ट ग्रेवेस्ट पर्सनैलिटी लूजेस हिज टेम्पर और उनको अपनी होश नहीं रहती, जब वो व्यक्ति खुद संकीर्तन कर रहा है तो क्या उस समय बाकी आसपास के लोगों का दृश्य होता होगा। बोलते जिनके नाम से वाल्मीकि जी तपस्वी बन गए, जिनके नाम से, वो सुना है ना वो मरा 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 बोलते थे और उनके मुख से राम राम निकलने लगा, और मरा मरा बोलने से ही राम राम निकलने से ही वो वाल्मीकि जो है वो इतने बड़े तपस्वी बन गए, जो कि डाकू थे अपने पिछले उसमें। जिनके नाम से अजामिल इतने पाप कर करके भी मुक्त हो गया, मुक्ति नहीं हो गया प्रेम प्राप्त हो गया, भगवत प्राप्ति हो गई, जिनके नाम श्रवण से ये सारा संसार बंधन नष्ट हो जाता है, केवल नाम से, जिनका नाम लेने से ये सब कुछ हो जाता है, वे प्रभु खुद अवतीर्ण होकर खुद अवतार लेकर कलयुग में नृत्य कर रहे हैं। तो जिनका नाम लेने से शुक नारद आदि विचरण किया करते हैं, ये शुक नारद आदि सब इनका नाम ले लेके ही तो विचरण किया करते हैं, अब वो भगवान स्वयं आ गए कलयुग में, इस कलयुग में वो स्वयं आ गए और स्वयं आके अपने मुख से ही अपना नाम लेके संकीर्तन कर रहे हैं, तो क्या आनंद उनके साथ वालों का होता होगा, ये इसका इसको आप इमेजिन भी नहीं कर सकते कि वो वातावरण क्या होगा। एक अच्छे भक्त, अभी हमने देखा हम सब जब वृंदावन गए राधाकुंड जाते हैं कि जब हम शुद्ध हृदय के भक्तों को संकीर्तन करते हुए देखते हैं तो उसी समय कितना
सद्भाव हृदय में जागता है और कैसा प्रेम भगवान के लिए जागता है जब उस संकीर्तन में बैठ जाते हैं। तो जिनका नाम हमारे भीतर हमारा हृदय शुद्ध कर देता है, इतना मलिन हृदय भी उस समय के लिए शुद्ध हो जाता है। उनका जिनका नाम ये प्रभाव हमारे भीतर ला रहा है, जब वो स्वयं आ जाएंगे और फिर अपना नाम भी लेंगे, दोनों चीजें, एक तो वो आ गए और वो स्वयं नाम लेंगे, तो उस समय के वातावरण का आपको केवल एक दृष्टांत बताया जा रहा है कि क्या मंगलमय वातावरण उस समय हो जाता होगा जब श्रीमन महाप्रभु खुद अपना ही हरि नाम संकीर्तन लेकर नृत्य करते होंगे। उस समय आचार्यगण बोलते कहां महाप्रभु को फिर अपना भगवान को अपना ईश्वर याद आता है, कहां उन्हें पता है कि कहां मेरा गरुड़ है, कहां मेरे वो शंख चक्र गदा पद्म कहां है, सब कहां चले गए, मैं किस ऐश्वर्य से रहता हूं, मेरा क्या ऐश्वर्य है और यहां पे मैं कैसे रह रहा हूं, ब्रज में भी कैसे रहते हैं, जहां हम बोलते हैं ब्रज में ऐश्वर्य भाव शून्य है, ऐश्वर्य शून्य नहीं है, ऐश्वर्य तो ब्रज में भी खूब भरा है, सबसे ज्यादा बहुत भरा है, तो वहां की भूमि चिंतामणि है, वहां की सारी दीवारें मणियों से बनी हुई है, एक एक मणि जो हमने अभी भक्तमाल में हम देखते हैं कि जब अकबर को बोला गया कि इतनी सी सीढ़ी बना दो, इतना इतना सा हिस्सा सीढ़ी का, तो अकबर ने कहा मैं अपनी सारी रियासत भेज दूं तो भी वृंदावन की इतनी सी सीढ़ी नहीं बना सकता, क्योंकि उन्हें उन्होंने संत ने दर्शन करा दिए थे हरिदास जी ने असली वृंदावन के, तो जब असली वृंदावन के दर्शन कराए तो अकबर जैसे अपनी रियासत बेच के भी बोलते मैं एक मणि नहीं ला सकता, ऐसी मणियों से वृंदावन बना हुआ है, तो ऐश्वर्य तो पूर्ण है, ऐश्वर्य भाव नहीं है, भगवान का ऐश्वर्य भाव नहीं है, तो इतने ऐश्वर्य में रहने वाले भगवान और आज किस प्रकार यहाँ माटी में लोटपोट हो रहे हैं, वस्त्रों का भी ध्यान नहीं है, हैं कि नहीं है, बस एक वस्त्र पहना ऊपर एक नीचे गोपीन और इस प्रकार कीर्तन कर रहे हैं, बोले ऐसा भगवान के भीतर ऐसा वैराग्य और ऐसा दास्य भाव उनके नाम के प्रभाव से उनके अंदर जागृत हो सकता है, तो भक्तों की तो क्या बात है। भगवान स्वयं भगवान अपना ऐश्वर्य भूल जाते हैं अपने नाम के आगे, इस नाम में इतनी शक्ति है, इस नाम की इतनी कृपा है, इस नाम में इतना आनंद है, सबसे बड़ी बात है कि उस आनंद में भगवान को अपना ऐश्वर्य कुछ नहीं लगता, तुच्छ लगता है, वो ये आनंद ले रहे हैं, और हम हरि नाम रूपी मणि को छोड़ के हम तो छोटे मोटे वो गोल्ड और डायमंड और ये और वो और पैसे और इसके पीछे भाग रहे हैं, जो हरि नाम रूपी मणि उसको छोड़ रहे हैं, और वो हरि नाम क्या है कि स्वयं भगवान अपना सारा गोलोक भूल गए यहाँ पे हरि नाम लेते हुए। तो जिनकी दास्ता से ये शंकर नारद आदि जो हैं ये ऐश्वर्य को ठुकरा कर बैठे हैं, अब शंकर आदि भी कहाँ ऐश्वर्य में रहते हैं, नारद जी भी कहाँ ऐश्वर्य में रहते हैं, ये सब अपना सुख त्याग किस लिए इन्होंने अपना ऐश्वर्य और सुखों का त्याग कर दिया, क्योंकि कहीं इससे बढ़िया सुख मिल रहा है, कहीं इससे बढ़िया आनंद मिल रहा है, और वो है श्री हरि नाम, और उस हरि नाम को अब श्रीमन महाप्रभु प्रचार कर रहे हैं। इस हरि नाम को ही एक नाम ये भी बोला गया सर्व महाप्रायश्चित, ये जो हरि नाम संकीर्तन है इसको कृष्ण नाम को सर्व महाप्रायश्चित भी बोलते हैं। सर्व महाप्रायश्चित इसलिए क्योंकि इसके संकीर्तन करने से हरि नाम लेने से सर्वश्रेष्ठ प्रायश्चित हो जाता है, और कोई प्रायश्चित करने की जरूरत नहीं है, और कोई प्रायश्चित और कुछ आदमी की मैंने ये गलती करी है इसका ये प्रायश्चित करूं, मैंने ये किया इसके बदले ये करूं ये करूं, जिस व्यक्ति ने अपने जीवन हरि नाम को सौंप दिया, जिस व्यक्ति ने हरि नाम का महत्व समझ लिया, उस व्यक्ति के लिए और कोई प्रायश्चित करने की जरूरत नहीं है, बिना मन के माला करने से और फिर वो सब करने से, और फिर कहो कि मैं हरि नाम कर लूंगा, आप फिर आज अपराध करो, फिर कहो कोई बात नहीं इसको क्या सॉरी बोलना, मैं अपने आप हरि नाम कर लूंगा, ये तो नाम अपराध है, ये नाम के बल पे अपराध करना, ये सोचना कि ये कर लो फिर उसके बाद तो बोला ही गया ये तो सर्व प्रायश्चित है, तो छोड़ो कुछ भी हो गया तो हो गया, फिर कल माला कर लेंगे पूरा हो जाएगा, आज देखा गया यहाँ पे मेरे 10,000 रुपये बेईमानी से बच सकते हैं, वो बचा लिए, अगले दिन सोचा कोई बात नहीं 10 माला फालतू कर लेंगे वो कर लेंगे, ये नहीं, ये तो बल्कि और अपराध हो गया, नाम के बल पे अपराध, आपने सोचा कि नाम है तो चलो अपराध कर लूं, नाम के बल पे अपराध, तो नाम अपराध हो गया, साधारण अपराध से भी खराब स्थिति हो गई अगर इस प्रकार से सोचा तो। नहीं तो
अगर हम अपना जीवन में इस हरि नाम के महत्व को समझे जो हरि नाम हमें मिला है, तो सारे पाप विनष्ट हो जाते हैं और सब जितने पाप करने की प्रवृत्ति है वो भी हमारी विनष्ट हो जाती है। इसीलिए श्रीमद् भागवत में श्री व्यासदेव जी ने बोला, कलेर दोष निधे राजन अस्ति है एक महान गुण, कीर्तनादेव कृष्ण से मुक्त संग परम प्रजा। के कलयुग में बहुत सारे दोष है, कलेर दोष निधे राजन, बहुत सारे दोष है, अस्ति है एक महान गुण। लेकिन इसमें एक बहुत बड़ा महान गुण है, परीक्षित चाहते तो कलयुग का वध कर देते, मार देते, खत्म हो जाता, कलयुग आता ही ना। पर परीक्षित ने ये चीज देख ली कि कलयुग तो बड़ा सौभाग्यशालियों का युग है, इसको काहे के लिए मारे। इसमें श्रीमन महाप्रभु खुद स्वयं आ गए और महाप्रभु ने आके इसमें सरलतम उपाय दे दिया, जीव को भगवत प्राप्ति कर देगा। हरि नाम संकीर्तन ही कौन है? हरि नाम संकीर्तन जो है इससे सस्ता, इससे निकट का, इससे आसान कोई रास्ता हो तो बताओ। कहीं आज तक कहीं किसी ने कहीं सुना देखा हो कि इससे सरलतम कोई उपाय है? आपको कुछ नहीं करना, कहीं भागा दौड़ी नहीं करनी, कहीं जाना नहीं है, कहीं ये नहीं कि गर्मियों में आग के समीप बैठना है, सर्दियों में नदी में जाके खड़े होना है, इतनी सारी वेदों में तपस्याएं लिखी है ये सब करके, ठंड में कोई कपड़ा नहीं बैठना, बारिश में जाके वृक्ष के नीचे नहीं बैठना, ये सब तपस्याएं लिखी है एक साधक के लिए। जब वर्षा होती हो तो वृक्ष के नीचे भी नहीं बैठना, वर्षा में बैठो। जब गर्मी होती हो तो आसपास सारी जगह आग लगा लो, फिर बीच में बैठो। कहीं सर्दी होती हो तो सर्दियों में नदी में खड़े होके फिर उस प्रकार से मंत्र जपो। ये कुछ नहीं बोला यहाँ पे। कलयुग में सरलतम उपाय, जब विश्वामित्रा को आके मेनका ने उनकी तपस्या भंग कर दी थी तो कई हजारों साल से वो बैठ के तपस्या कर रहे थे, कई हजारों साल, 70,000 साल से बैठे तपस्या करें, मेनका ही उनकी तपस्या भंग कर दी, खत्म हो गया काम। और यहाँ पे क्या है, यहाँ तो 70 साल की तो आयु है, वो 70,000 साल से बैठे हुए हैं और फिर तपस्या भंग हो गई। यहाँ पूरी आयु ही 70 साल की है, उसमें भी व्यक्ति अगर 10-12 साल ठीक से, ये एक संत की मैंने अभी सुनी, उन्होंने सिद्ध महात्मा है, उन्होंने बोला कि अगर आपका कोई नियम बनता है, जैसे हम लोग डिसिप्लिन की बात करते हैं कि भाई सुबह 4 बजे उठना ही है, 4:30 उठना ही है, और इस समय ये माला करनी है, इस समय करना है, कोई भी आपने इस प्रकार का एक नियम ले लिया अपनी साधना का, कोई भी नियम ले लिया, मतलब कोई भी एक दिनचर्या सेट कर ली कि भाई मैं सुबह उठ के इस समय उठूंगा, कोई भी सेट कर ली, मतलब साधक की दिनचर्या, ये नहीं कि आपको कि मैंने सेट कर लिया मैं सुबह 8 बजे उठूंगा तुम आप 8 बजे नहीं, जो एक साधक की दिनचर्या होती है वो एक आपने सेट कर ली कि भाई ये मेरी दिनचर्या है। और उनका ये कहना है कि अगर इस दिनचर्या को, अगर ऐसी दिनचर्या को, हालांकि उन्होंने ये बोला कि गुरु प्रदत्त जो आपको दिनचर्या मिले, वो दिनचर्या अगर आपने 10 से 12 साल बेनागा, मतलब 10 से 12 साल उसी दिनचर्या में चल लिए, तो वो बोलते अगर तुम सिद्ध ना हो तो आज से मेरा नाम बदल देना, तुम बोल देना तुम्हारे जितने पाप है ठाकुर को बोलना मेरे को लग जाए, मेरी ऐसी स्थिति है। मतलब कहने का तात्पर्य कि उनका ये अनुभव अपने जीवन का कि अगर कोई व्यक्ति जो एक दिनचर्या साधक उपयुक्त बना ले और उसके बाद 10 से 12 साल उसका पालन करता है तो वो सिद्धि की अवस्था में पहुंच जाता है, वो सिद्ध हो जाता है भक्त सिर्फ 10-12 साल में। तो बताओ इससे सस्ता इलाज कहां मिलेगा? तो इसीलिए कलौ दोष निधे राजन अस्ति है एक महान गुण, इसमें एक महान गुण है, कीर्तनाद एव कृष्णस्य मुक्त संग परम रजा, सब भक्तों के साथ मिलके, समस्त भक्तों के साथ एसोसिएशन में, संग में अगर हमने हरिनाम संकीर्तन करना प्रारंभ किया, संग में हरिनाम संकीर्तन का मतलब संग से जैसे कथा मिली, संग से हमें हरिनाम संकीर्तन मिला, संग से हमें नाम मिला, गुरुदेव मिले, तो अब एकांत में भी बैठ के यही भजन करें अपना। तो इस प्रकार अगर हम हरि नाम करते हैं, कलौ दोष निधे राजन अस्ति है एक महान गुण, कीर्तनाद एव कृष्णस्य मुक्त संग परम रजा, बस उसकी मुक्ति हो जाएगी, बस उसको प्रेम प्राप्त हो जाएगा, बस इतने से भी, केवल हरि नाम संकीर्तन करने से, केवल नाम जप करने से। ये हरि नाम की पावर है, ऐसे नहीं समझो कि भाई हरे कृष्णा महामंत्र किया कोई बात नहीं, ये हरे कृष्णा महामंत्र करते हम ओम नमः शिवाय कर लेते हैं,
बात तो एक ही है, एक मंत्र तुम जो एक नाम, नहीं ये बात नहीं है। हरि नाम संकीर्तन इस युग का धर्म है, इस युग का यही मंत्र है, इस कलयुग में ये मंत्र दिया गया है, इसलिए इस कलयुग में ये मंत्र का विशेष प्रभाव है, जो जिसका युग होता है उसका है। अब आप स्कूल में पढ़ रहे हो, आपका इंग्लिश का पीरियड, आपको कोई बात नहीं, पढ़ाई करनी है ना, इंग्लिश की मैडम आपने मैथ्स की बुक खोल ली, भाई है तो पढ़ाई, पढ़ना तो ये भी है, वो भी पढ़ना है, ये भी पढ़ना है। मैथ्स की टीचर आई तो आपने साइंस की बुक खोल ली, तो बात बनेगी नहीं, बनेगी क्या, नहीं बनेगी। हालांकि है वो भी ठीक, ये भी ठीक, मगर इस युग में हरिनाम संकीर्तन में विशेष शक्ति डाली गई है, और इसीलिए श्रीमन महाप्रभु ने स्वयं आके ये प्रदत्त किया, स्वयं आके हम लोगों को ये प्रदान किया। अब जो ये संकीर्तन भीतर होता, इस संकीर्तन को सब लोग नवद्वीप में नहीं देख पाते थे, क्योंकि जो फटाफट से जल्दी आ गया उसके बाद, और पहले भी कौन आ जाता था जो ज्यादा, कोई ऐसे तो आ नहीं सकता जिनके भीतर इसकी प्यास होती हरि नाम संकीर्तन की, जो वास्तविकता में संकीर्तन करना चाहते वो लोग पहले आ जाते और बाद में किवाड़ बंद हो जाते। अब जब किवाड़ बंद हो जाते तो जो बाहर के लोग हैं वो जलते हैं कि ये क्या कर रहे हैं, ये क्या हो रहा है यहाँ पे, अरे कुछ नहीं है, जोर जोर की चिल्लाते हैं, हम लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं, पागल बनाया हुआ है इन्होंने। कई लोग कई कई प्रकार की बातें करते कि भाई हरि नाम तो इतनी तेज तेज चिल्लाने की क्या जरूरत है, भैया तुम्हारा भगवान बहरा है क्या जो तुम इतनी तेज तेज चिल्लाते हो, अगर हरि नाम करना है तो अपने घर में बैठ के आराम से धीरे धीरे से कर लो, वो सुनेगा नहीं, वो तेज तेज ही सुनता है इतना करने की, और फिर रात को करने की क्या जरूरत है, दिन में करो, दूसरों को पागल क्यों कर रहे हो, ये क्यों कर रहे हो, वो क्यों कर रहे हो। कोई बोलता है कुछ नहीं, हरिनाम संकीर्तन नहीं करते, बीच बीच में बंद हो जाता है, ये चार पांच स्त्रियां लाते हैं आपस में और रास विलास करते हैं, रात को खाने की सामग्री ले जाते हैं, भिखारी हैं ये हैं वो हैं, इस प्रकार से गंदा गंदा सब, और जो भार है कई द्वेषी भी ऐसे होते हैं। अब ये इस प्रकार का सब चैतन्य भागवत में वर्णन है, लेकिन साथ में वृंदावन दास ठाकुर जी ने बोला कि एक चेतावनी, बड़ा ध्यान रखना, तब भी जबकि वहां पे नवद्वीप में ही सब महाप्रभु को इस प्रकार से बोल रहे हैं, सब भक्तों के लिए बोल रहे हैं, लेकिन तब भी आप लोगों को ये समझना होगा कि वो लोग भी कोई साधारण नहीं है, विशेष लोग हैं। अगर साधारण होते तो नवद्वीप में श्रीमन महाप्रभु के साथ उनका जन्म ना होता, वो खुद रो रहे हैं, हम रो रहे हैं, आचार्यगण रो रहे हैं कि अरे कलयुग में मैं आया ही 500 वर्ष की देरी हो गई, थोड़ा पहले आ जाता, भाई 84 लाख का फेरा है, कहीं थोड़ा पहले आया होता उस नवद्वीप में मैं भी होता, उस समय मैं भी होता जब श्रीमन महाप्रभु थे, तो कौन है, उस समय मैं भी होता तो मेरा भी उद्धार हो गया होता, बस इतने से समय से चूक गया, कहाँ हजारों करोड़ों सालों का युग और कहाँ सिर्फ 500 साल, कहीं उस समय हम पहले आ गए होते तो हम भी निकल गए होते भीड़ में श्रीमन महाप्रभु के साथ। तो इस प्रकार से सबका एक विषाद, और जो उस समय हैं हम बोले कि ये तो पापी हैं, ये तो अधर्मी हैं, ये हैं, ये वो अधर्मी है, पापी नहीं है, जो उस समय है ये केवल एक लीला है, क्योंकि श्रीमन महाप्रभु ने बाद में फिर जो सन्यास लिया वो ऐसे ही लोगों के लिए तो सन्यास लिया, जो लोग अपराध करते थे, जो लोग गलत बोलते थे, तो उन्होंने सन्यास लेने के बाद फिर उन सबको ठीक कर दिया, तो वो सब बाद में भक्त बन गए। जैसे हम बोलते हैं ना, एवरी सेंट हैज ए पास्ट एंड एवरी सिनर हैड ए पास्ट एंड एवरी सेंट हैज अ फ्यूचर, तो हर पापी का, हर संत का भी कोई ना कोई खराब पास्ट भी रहा होता है, और हर पापी का आगे कोई ना कोई भविष्य भी होता है। तो ये सारे जो इस समय अपराध कर रहे हैं, हो सकता है ये भविष्य में बहुत बड़े बड़े संत बन गए हों, और बने ही होंगे, अभी मैं आज के लिए कह रहा हूं, एवरी सिनर हैज अ फ्यूचर एंड एवरी सेंट हैड अ पास्ट। आज जो हमें दिख रहा है बहुत बड़ा संत है, हो सकता है कि 10-20 साल पहले, अब वाल्मीकि जी की चर्चा कर रहे थे, पहले गुंडे बदमाश थे। बिल्वा मंगल ठाकुर जी की बात देखो, आज जिनके हम शास्त्र पढ़ते हैं, श्रीमन महाप्रभु पढ़ते थे उनके शास्त्र और प्रेम विभोर हो जाते थे, वो बिल्वा मंगल ठाकुर एक कामी व्यक्ति थे, एक वेश्या से आसक्त थे, अपने बीवी बच्चे सबको छोड़ गए थे, पर क्या उनका भविष्य हुआ, कितने बड़े भक्त हुए। तो इसीलिए किसी इस पे उंगली उठाना, ये तो ये कुछ नहीं कर सकता, ये इसके बस का नहीं, ये ऐसा नहीं,
पता नहीं भविष्य में कितना बड़ा भक्त बन जाए। और फिर जो नवद्वीप में उस समय आया, जो श्रीमन महाप्रभु के साथ में आके अवतरित हुआ, वो कोई साधारण नहीं हो सकता। तो वो जो उस समय हो रही है वो लीला है, उसमें हम अपराधी ना बने ये बोल के कि भाई ये ऐसा क्यों हो रहा है, ये अपराध हो रहा है, ये सब हो रहा है। प्रकाशानंद सरस्वती पहले कितना बोलते थे महाप्रभु को ही उल्टा बोलते थे, और बाद में राधा दास सुधा ने दी, और तो ये बुद्धि लगाने का स्थान नहीं है, ये जो ये स्थान है ये बुद्धि लगाने का नहीं, ये बुद्धि समर्पित करने का स्थान है यहाँ पे। और समर्पित बुद्धि होगी तो मन भी लगाना नहीं पड़ेगा, लग जाएगा। मन उनको लगाना पड़ता है जो पहले बुद्धि को बोध जगा, यहाँ पे बुद्धि से विचार करते हैं ये कैसा है, ये कैसा है, ये क्यों करना चाहिए, ये क्यों। अरे बुद्धि पहले लगाओ, यहां आने से पहले पूरी बुद्धि लगाओ। इसीलिए बोलते गुरु धारण करने से पहले 2-3 साल विधान है कि 2-3 साल रहो पहले साथ में, देख लो, पक्के हो जाओ। जब एक बार पक्के हो जाओ, जब एक बार दीक्षा ले ली, एक बार गुरु धारण कर दिया, उसके बाद भगवान भी आके बोल दे कि भैया ये गलत आदमी है, तो फिर अब नहीं मानूंगा। अरे गलत गुरु को गलत क्या बोलना, गलत आदमी को भी अगर आप गुरु मान लोगे और आपकी ऐसी निष्ठा रहेगी कि मैं इसके बारे में गलत नहीं सुन सकता, तो भी आपका कल्याण हो जाएगा, पर निष्ठा पक्की होनी चाहिए। एक हमने कथा सुनी थी ना, वृंदावन में वो गए, उनको चोर मिल गए, वो उन्होंने कहा बेटा यहाँ जमुना में खड़ा हो जाए भगवान के दर्शन करने, यहाँ करने बेटे यहाँ खड़े हो जाए, आंख बंद कर ले, अच्छा, और तेरा जितना सामान है वो यहाँ पे रख दे। उसने अपना सारा पैसा वैसा सब जो बेचारा आया था लेके वहां रख दिया, वो लेके चले गए। अब वो व्यक्ति वो बोले आंख मत खोलियो, जब तक मैं ना कहूं तब तक आंख ना खोलियो। वो आंख बंद करके जमुना में खड़ा रहा। एक दिन हो गया, 2 दिन हो गया, 3 दिन हो गया, राधा रानी ने बोला ठाकुर जी को हमारे वृंदावन में आया हुआ है, इस प्रकार से चोर चोरी करके उसको लुटेरा बना के भाग गया, उसकी क्या श्रद्धा रहेगी, जाओ जरा उसको बोलो। अच्छा कृष्ण आ गए, कृष्ण ने आके बोला आंखें खोलो, बोले भाग जाओ यहां से, मेरे गुरु जी ने कहा था जब तक मैं नहीं आऊंगा तब तक आऊंगा। अरे उसने कहा बावले मैं कृष्ण हूं, मैं साक्षात भगवान आ गया हूं। आप कैसे सिनेरियो बता रहे हो कि 2-3 साल आराम से वक्त लगाओ, पूरा देखो, उसके बाद गुरु धारण कर लिया, उसके बाद भगवान भी आके बोले कि भाई ये गलत है तो नहीं मानना, लगे रहो निष्ठा से, वो गलत बंदा भी हो तब भी कल्याण तुम्हारा हो जाएगा। बट सिमिलर सिनेरियो में अब जैसे बहुत सारे बाबा हैं, ये भी हैं, लेडीज भी हैं, जेंट्स भी हैं, साध्वी वगैरह, ये हुए बताता हूँ इसका, बताता हूँ देखो उस सिनेरियो में। हाँ बता रहा हूँ, देखो पहले एक पूरी कर लेता हूँ। तो भगवान आए, भगवान ने बोला कि भाई वो चोर थे, तो उन्होंने बोला कि भाई मैं तो नहीं मानता, उन्होंने मुझे बोला था मैं भगवत प्राप्ति कराऊंगा आपको, भगवान के दर्शन कराऊंगा। बोले वो कुछ नहीं करा सकता, वो चोर था। बोले अगर कुछ नहीं करा सकता तो तुम मेरे सामने कैसे आ गए, आ गए ना तुम मेरे सामने। तो बोले अच्छा चल आ गए आप तो आंख खोल। बोले नहीं, उन्होंने कहा था जब तक मैं नहीं आऊंगा तब तक आंख नहीं खोलेगा। अब भगवान को क्या करना पड़ा, भैया कहाँ है वो, उसको पकड़ के लाए, गिरे वाले पकड़ के दे सामने खड़ा हो इसके, बोल इसको आंख खोल। उसने बोला आंख खोल, तो उसको भी ठाकुर जी की प्राप्ति हो गई, गुरु को भी और चेले को भी ठाकुर जी की प्राप्ति। अब हम ये बात को देखते हैं कि भाई आजकल तो फिर बड़े सारे फ्रॉड हो रहे हैं, तो फिर जो उनकी जनता जो उनको मान रही है क्या फिर वो भी सच्ची है, वो भी सही है, आप उनको गलत क्यों बोलते हो जो उनको मान रहे हैं। अब इसमें दो बातें हैं। पहली, जैसे प्रेम भक्ति चंद्रिका में लिखा गया कि जब आप पहले देख लो कि गुरु सही है कि नहीं है, तो देखने में क्या देखना होता है वो प्रेम भक्ति चंद्रिका में बताया, गुरु साधु शास्त्र, ये तीनों एक लाइन में होने चाहिए, अलग नहीं होने, ऐसा नहीं होना चाहिए गुरु कुछ और बोल रहा है, साधु कुछ और बोल रहा है, और शास्त्र कुछ और बोल रहे हैं, शास्त्र कुछ और बोल रहे हैं, गुरु कुछ और बोल रहे हैं, विरोध नहीं होगा, गुरु साधु और शास्त्र में बिल्कुल एकमतता होगी। प्रभुपाद ने भी इस बारे में बड़ी अच्छी बात बोली, प्रभुपाद ने बोला हम लोगों को बार्गेनिंग करने की आदत है। माताओं को आप देखो सब्जी लेने गई, ऑलरेडी बड़े सस्ते भाव में वो बेच रहा है, एक जना 50 रुपए किलो बेच रहा है, दूसरी जगह 30 रुपए किलो बेच रहा है, वो 30 रुपए को भी कहेंगे तो 29 रुपए कर ले, और 50 वाले को कह रही थी 40 कर ले, वो पता चला 30 है तो भी कहेंगे 25। तो ये हमारी बार्गेनिंग की जो भावना है ये हमारे भीतर एक चीटिंग प्रोपेंसिटी है, और यही चीटिंग प्रोपेंसिटी हम गुरु में भी लगाते हैं। तो गुरु में हम कैसे लगाते हैं, वो जो बालक था उसकी श्रद्धा थी कि मुझे भगवत प्राप्ति करनी है, मुझे भगवत प्राप्ति, वो बेवकूफ किस लिए बना,
वो बालक जो एक मेन पॉइंट है वो समझना, वो बालक बेवकूफ किस लिए बना कि मुझे भगवत प्राप्ति करनी है। आप बोलो ये है ठीक है, आप बोलो अपना सारा सामान वहां रख दूंगा, आंख बंद करके यहां खड़ा हो जा, खड़ा किस लिए, मोटिव क्या है कि मुझे कृष्ण की प्राप्ति हो जाएगी। ठीक है, यहां पे हम जो सो कॉल्ड लोगों को अपना गुरु बना लेते हैं वो हम क्यों बनाते हैं, अपनी बार्गेनिंग प्रोपेंसिटी की वजह से। आप बोलो ये नीत दादा जाके अपने सब ग्रुप में कि भैया हमें बोला है प्याज नहीं खाना लहसुन नहीं खाना, ओ तेरे गुरु छोड़ यार, हमारे गुरु बढ़िया है, हमारे गुरु कहते कोई बात नहीं खा भी कोई बात नहीं आराम से, बस एक मंत्र सुबह कर लिए अगर हो जाएगी तेरे को प्राप्ति, ऐसा होता है या नहीं। और तुम पता नहीं किस चक्कर में पड़े हो, हमारे गुरु जी तो कोई मना नहीं करते, मेरे को बोलते ऐसे हमारे परिवार में ही लोग हैं, पता नहीं तुम तो कहाँ चले गए, हमारे गुरु जी तो बोलते ये सब खाओ पियो करो। अरे भाई गुरु जी तुम्हारे बोलते खाओ पियो, शास्त्रों में कह लिखे खाओ पियो, तो हमने उन गुरु जी को क्यों अपना लिया, इसलिए नहीं कि भगवत प्राप्ति कराएंगे, इसलिए नहीं, हमने इन गुरु को इसलिए अपना लिया कि ये गुरु जी बढ़िया भैया, चाउमीन मिलती है प्रसाद में, ये बढ़िया गुरु है, ईजी है, यहाँ अपना खाओ पियो कुछ नहीं, ये मना नहीं करते अपना घूमो फिरो जो मर्जी करो, ये कहते हैं अपना सब ठीक है बस ये करो। अच्छा वो तो ऐसे भी गुरु हैं बोलते, हमारे गुरु तो कहते कोई बात नहीं तुम मंत्र मंत्र भी करने की जरूरत नहीं है, तुम ये 20,000 रुपये यहाँ पे दो तुम्हारी तरफ से मैं मंत्र कर लूंगा, मैं तुम्हें ले जाऊंगा, ऐसा बोलते हैं। तो अब आपने इन गुरु को क्यों अपनाया, भगवत प्राप्ति के लिए नहीं, आपने अपनी मन की सारी इच्छाएं पूरी हो जाए, अपनी इंद्रिय तृप्ति पूरी हो जाए, उस इंद्रिय तृप्ति के चक्कर में आपने इस गुरु को बनाया, फिर उसमें भगवत प्राप्ति नहीं होती, वही तो मैं कह रहा हूँ। तो मोटिव होना चाहिए भगवत प्राप्ति, अगर भगवत प्राप्ति का मोटिव है और आपने किसी गधे को भी गुरु बना लिया लेकिन आप सच्चे थे कि मुझे भगवत प्राप्ति करनी है, मुझे इंद्र तृप्ति नहीं करनी, तो फिर कल्याण होगा ही होगा, चाहे आपके गुरु जी आसाराम बापू जी भी हो जाए, फिर भगवान आ जाएंगे और आपको ले जाएंगे 100%। वैश्यागामी थे भक्तमाल में कथा है, वास्तविक की कथा है, वो वैश्यागामी थे, उनके जो गुरु जी थे उनकी निष्ठा इंद्र तृप्ति, देखो जिस व्यक्ति की इंद्रिय तृप्ति की कोई रुचि नहीं है, केवल भगवत प्राप्ति की है, फिर वो किसी के को भी मान ले कि भैया यही है यही है। अब उनके गुरु जी जो है वो एक स्त्री ले आए, किसी वेश्या को अपने घर में ले आए, और क्या उनकी स्थिति होगी सोचो, वे एक वेश्या को तो अपने घर में ले आए, तो जो उनके आश्रम में जितने शिष्य थे सब भाग गए, गुरु जी तो लोफर है इनके साथ कौन टिकेगा, सब चले गए, वो एक शिष्य रह गया, वो वेश्या को बोलता है ये तो मेरी गुरु माता है, वो भैया उनको गुरु माता की तरह पूछ रहे हैं कि भैया हमारे गुरु जी, ये हमारे गुरु माता है, और बिल्कुल उनकी सेवा दिनचर्या एकदम वैसे ही सब कुछ, जो जो खाने को जैसे गुरु की सेवा होती है वैसे गुरु की सेवा करता रहा। जब एकदम उनका अंत समय आने लगा, वो जाने लगे, तो गुरु जी परेशान हो गए, गुरु जी ने कहा भाई तू कहाँ, तू मरने लायक हो रहा है, तू चला जाएगा, मेरी अपनी वृद्ध अवस्था है, मुझे कौन संभालेगा, गुरु जी प्रयास करूंगा जब तक जीवित रहूं आपकी सहायता सेवा करता रहूं। अच्छा जब वो एकदम अंत समय आ गया चलेगा, तो भगवान का विमान आ गया, चलो तुम्हें लेके जाए, उसने कहा भाई ठाकुर जी ऐसे मैं अभी जा नहीं सकता, गुरु जी की सेवा है अभी तो। उसने कहा लल्लू तेरे को भगवत प्राप्ति हो रही है, तेरे को लेके जा रहे हैं भगवान स्वयं, मैं आया हूँ, चलो मेरे साथ, तुमने इतनी निष्ठा से गुरु जी की सेवा करी, चलो। बोले ऐसे तो मैं नहीं जाऊँगा, अगर मेरे को लेके जाने तो गुरु जी को साथ लेके जाओ। भगवान ने कही अब ये कौन सी बात कर रहा है भाई, गोलोक में ये कोई वैश्यागामी लोग जाएंगे साथ में, ये नहीं जा सकते, तेरा गुरु लफंगा है, वो वेश्या को लेके आया हुआ है साथ में, तू पागल है, तू समझा नहीं है, तू बोला है, तू चल मेरे साथ। उसने बोला अब जो भी कर लो, इन्हीं की वजह से आज आप आए हो मेरे पास, आप क्यों आए हो, मेरी सेवा देख के आए हो ना इनके लिए, तो सेवा किसकी, इन्हीं की, इनके बिना नहीं जाऊंगा। अब ठाकुर जी ने किशोरी जी को बोला ये तो लड्डू है, क्या करें इसका। बोले किशोरी जी कहती इसने जिस प्रकार सेवा करी इसको तो छोड़ नहीं सकते, अब क्या करो। वो गुरु जी के पास गया, चल भाई गुरु तू भी चल साथ में, भगवत धाम, चेला तेरा इतना बढ़िया, तू भी चेला गुरु को लेके जा रहा है, गुरु चेले को क्या लेके जाएगा। गुरु जी बोलते जी मैं तो जब तक ये वेश्या नहीं जाएगी मैं नहीं जाऊंगा, वो बोलते लत तेरे की अभी तक तो ये वेश्या का भी लेके जा रहा था, वो गुरु कहता मैं इसके बिना नहीं जाऊंगा, जब तक ये नहीं जाएगी मैं नहीं जाऊंगा। ठाकुर जी बोले आप क्या करें, किशोर जी कहते ये भक्त को तो लेके जा रहे, वो कहते जी मैं गुरु जी जाएंगे जब तक नहीं जाऊंगा, गुरु जी कहती है वेश्या जब तक नहीं जाएगी मैं नहीं जाऊँगा। वेश्या बोल चल भाई तू भी चल, वेश्या कहते भाई मेरे और भी लोग हैं, ये थोड़ी है तो वेश्या ही थी, तो और भी 3-4 लोग हैं, इनको भी साथ लेके जाओ। चलो भगवान उन सबको लेके गए उसकी वजह से, ये वास्तविक की कथा है, एक उस भक्त की वजह से वेश्या भी चली गई, वेश्यागामी भी चले गए, उस वेश्या के और भी 3-4 जो पुरुष थे साथ में वो भी चले गए,
सिर्फ एक उस भक्ति की वजह से। तो इतना सच्चा अगर कोई व्यक्ति हो कि उसके अपने मन में कोई इंद्रिय तृप्ति नहीं है, बस केवल भगवत प्राप्ति यही रह गया उसके मन में, तो उसको भगवत प्राप्ति होगी ही होगी। फिर तो सबके भीतर परमात्मा है। एक तत्व तो ये भी है ना कि सबके भीतर परमात्मा है, हम सबके भीतर परमात्मा है, लफंगे के अंदर भी है, भक्त के अंदर भी है, सबके भीतर है। तो जो केवल जिसका वास्ता भगवान से ही है वो ऐसे व्यक्ति को भी ले जाएगा। पर फिर वही दूसरा तत्व समझना कि जब, लेकिन जब कोई प्राप्ति की इतनी इच्छा नहीं है, गुरु जी इसलिए बनाए कि ये गुरु जी हमको नॉनवेज खाने देते हैं इसलिए गुरु जी अच्छे हैं, ये गुरु जी इसलिए अच्छे हैं, ड्रिंक करो कुछ करो, गुरु जी कहते कोई बात नहीं सुबह मंत्र ले लिया ठीक है बाकी सब चल जाएगा, इसलिए गुरु जी बनाया। तो फिर तो गुरु भी चोर और चेला भी चोर, तो ना वो जाएंगे ना तुम जाओगे, फिर तो कोई श्रद्धा ही नहीं है, श्रद्धा तो मन में ही है, अपने मन मन के दास बने हुए। तो इस प्रकार की दासता से नहीं जाते, समझ गए अब। देखो आप गुरु मिल भी जाएंगे उसको कहीं, सच्चा होगा तो जो मिलेंगे वो सच्चे ही होंगे, वो नहीं भी सच्चे होंगे आप तो भी जाओगे। आप बात समझो पहले, अब इस बेचारे को वेश्यागामी गुरु ही मिले ना, लाइक सोल्स अट्रैक्ट ईच अदर, बर्ड्स ऑफ सेम फेदर फ्लॉक्स टुगेदर, बस वही बात। लेकिन अगर किसी कारण से किसी प्रारंभ से नहीं भी मिले तो भी जाएगा। यही पॉइंट तो यही है, बात यही है कि ये मत सोचो, क्योंकि इस बात से फिर ये सोच भी आ जाती है कि मैं अच्छा हूं तो मेरे साथ सब अच्छा ही होना चाहिए, ये सोच भी गलत है। मैं अच्छा हूं मेरे साथ सब, मैं अच्छा हूं तो मेरे साथ सब अच्छा ही हो रहा है, अब मुझे दिख रहा है या नहीं दिख रहा है ये अलग बात है। कबूतर आंखें बंद कर दे। हाँ, तो लाइफ एट टाइम्स इज फेयर, लाइफ एट टाइम्स इज अनफेयर। आपके जो प्रारंभ है, अगर आप सच्चे हो, अगर आप सच्चे हो, आप सही हो, तो बस फिर सही, फिर जो हो रहा है वो सही है। ये नहीं है कि फिर सही होगा। हम तो हरे कृष्णा करते हैं, माला लेके जा रहे हैं, और वहाँ जहाँ हम जा रहे हैं वहाँ इतनी लंबी लाइन लगी है, हमने कहा भाई हम तो भक्त हैं, हम थोड़े ना लाइन में खड़े हुए, आगे गए और वहाँ से कहा चलो पीछे जाके लाइन में खड़े हो। अब आप पीछे जाके लाइन में खड़े हो, आपका नंबर आने ही वाला हुआ तो उसने खिड़की बंद कर दी, चलो भाई कल आना। कोई तो हम तो भक्ति करते हैं तो हमारे साथ ऐसे हो रहा है, भक्ति करने का कोई ये परिणाम नहीं है कि यहाँ पे चमत्कार होने लगेंगे या जादू होने लगे। भक्ति करने का, असल भक्ति करने का ये परिणाम है कि हमें किसी ने पीछे भी भेज दिया, हमारे आने पे बिल्कुल हम आगे पहुंचे, एक घंटे से लाइन में खड़े थे और दरवाजा बंद हो गया, तब भी मेरी भीतर की मनोस्थिति खराब ना हो, ये भक्ति है। परिस्थिति बदलती रहेगी, परिस्थिति अच्छी भी होगी, परिस्थिति किसी दिन ऐसी परिस्थिति होगी कि पीछे खड़े हो और वो पीछे से बुला लेगा भैया आप पहले आ जाओ, आप पहले अपना काम करा लो, आप काम करा के चले गए। उस दिन भी हमारे भीतर अहंकार नहीं होना चाहिए कि देगा हमारी शक्ति, उस दिन भी ऐसा नहीं होना चाहिए। और जब आप सामने आए और दरवाजा बंद हो गया तो उस दिन भी स्थिति खराब नहीं होनी चाहिए। बात सारी भक्ति का लेना देना आपके भीतर की स्थिति से है, बाहर की परिस्थिति से नहीं है। बाहर की परिस्थिति का तो प्रारंभ से लेना देना है, जो जैसे किए थे वो वैसे आ रहे हैं जा रहे हैं, सब आके एक दिन खत्म हो जाएंगे। मैंने भजन किया है तो मेरी स्थिति खराब नहीं होनी चाहिए, मेरी मनोस्थिति वैसे ही रहे, आदर मिल रहा है उसमें भी, इन सम्मान मिल रहा है उसमें भी, और अपमान हो रहा है तो उसमें भी, मैं बराबर हूँ बीच में, तो चलो ठीक है, तो सब प्रारंभ का खेला होता रहेगा। ऐसी अगर मेरी मनोस्थिति है तो मानो भजन हुआ, और नहीं है तो नहीं हुआ। तो अगली बारी, अभी समय हो गया, अगली बार फिर आगे से और कथा प्रारंभ करेंगे। जय राम।